एचटीएमएल की बॉयलरप्लेट लिखना कितना ज्यादा आसान है, मैं शिफ्ट के साथ बंद दबाता हूं बॉयलरप्लेट आ जाती है, पर सीरीज में क्या हमको एक एक करके चीजें लिखनी पड़ती हैं। लेकिन मैं तो इसको फिर भी डायरेक्ट कर लेता हूं, सिखाता हूं कैसे। यहां जाके मैं जाऊंगा सेटिंग्स पर, यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा तुम लोगों को यूजर स्निपेट्स, उस पर क्लिक करना और सर्च करना CSS डॉट जेसॉन। यहाँ पर चीजें जेसॉन के फॉर्मेट में, और क्योंकि एक वन टाइम प्रोसेस है समझना नहीं है, आप जब लिखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। ध्यान से देखो करना क्या है, मुझे यहाँ जाके जाना है और मुझे यहाँ जाके लिखना है CSS और डबल कोट के अंदर CSS स्निपेट। और अगर नहीं भी समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूँ ना तो कुछ मत करना, नीचे पिंड कॉमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन देख लेना, मैंने समझाया है वहाँ पे, पहले मैंने डायरेक्ट लिख के दिया, तुम भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा प्रीफिक्स यानी किस पे क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, और यहाँ जाके मैंने कहा बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे अरे के थ्रू डेटा डालता हूँ। तो मैंने यहाँ जाके अगर लिख दिया मान के हेलो, तो यहाँ जाके आप देखोगे तो जैसे ही मैं स्टार के साथ एंटर दबाता हूँ मुझे हेलो लिखा हुआ दिखाई देने लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे हेलो थोड़ी लिखना, मुझे तो बॉयलरप्लेट लिखना है। चलो फिर चुटकी वजह से वो लिख लेता हूँ। मैंने बॉयलरप्लेट को जिस तरीके से लिख लिया, और जब भी आप यहाँ पर जगाओगे मेरा स्टार, तो यहाँ पर आपको अब बॉयलरप्लेट दिखाई देने लगेगी। लेकिन इस बॉयलरप्लेट का मतलब क्या होता है मैं वो भी समझाऊंगा अगली वीडियो में, तो उसके लिए नीचे कमेंट करना, क्योंकि आप सीख चुके हो कि